हेलो फ्रेंड्स, अबाउट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष पुड़ाकोटी और आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताने वाला हूं कि किसी भी स्पेसिफिक पेज से आप पेज नंबर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब हम पेज नंबर डालते हैं तो वो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि हमें किसी स्पेसिफिक पेज से दूसरे नंबर से, चौथे नंबर से या पाँचवें नंबर से पेज नंबर चाहिए होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी पेज से, चाहे पहले पेज से या पांचवें पेज से या छठे पेज से, किसी भी स्पेसिफिक पेज से आप पेज नंबर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट में जाएंगे। ये हमारे पास 15 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे दिख रहा है 15 पेज, 1 of 15। हम पहले पेज पे हैं, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे पेज हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, बॉटम ऑफ पेज, और ये एक सैंपल है जो हम सेकंड वाला सैंपल को सेलेक्ट कर देते हैं। सेंटर में इसको पेज नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे पेज नंबर, पहले पेज से पेज नंबर स्टार्ट हो गए हैं, देन सेकंड पेज से, और उसके बाद देन थर्ड पेज। तो इसी तरह से ये 15 पेज का डॉक्यूमेंट, ये पेज 15, लास्ट में अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये पेज 15 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक पेज से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, पेज नंबर 4 पे जाएंगे। हम पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर ये 4 है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कर्सर को सेट कर देंगे। आप अपना जो पैराग्राफ मार्क है, होम में जा करके पैराग्राफ मार्क ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह से पैराग्राफ मार्क शो हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेआउट में जाएंगे, लेआउट में पेज सेटअप के ग्रुप के अंडर में पेज ब्रेक, ब्रेक का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज, ये सेक्शन ब्रेक है, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। अब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कोई कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगर आप पहले वाले पेज में देखेंगे तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गई हैं, इससे पता चलता है कि हमारा जो ये है पेज ब्रेक हो गया है। अब पेज ब्रेक तो हो गया है लेकिन यहाँ पे अभी भी नंबर वही हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पेज नंबर 4 पे जाएंगे, यहाँ पे फुटर पे क्लिक करेंगे। फुटर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डिज़ाइन का टैब ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन के टैब में यहाँ पे नेविगेशन पे आप देख रहे होंगे लिंक टू प्रीवियस, तो हम इसको क्या करेंगे, लिंक टू प्रीवियस को क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये पहले पेज से अनलिंक हो जाएगा। अब ये क्या हो गया कि जो पेज नंबर हैं वो पहले पेज से अनलिंक हो गए हैं और यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं नया पेज, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेज नंबर 4 पड़ा हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन टैब में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पेज नंबर और फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम नीचे है पेज नंबरिंग, तो हम कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन से नहीं रखेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एट और पेज नंबर 1। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ से आपका जो पेज नंबर है ये 1 स्टार्ट हो जाएगा, देन दूसरे पेज में हो दूसरा पेज नंबर आ जाएगा। अब हम बाहर कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं। अब हम अगर फ्रंट के पेजेस को चेक करेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 और 1। अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, पेज नंबर पे जा करके इसको रिमूव पेज नंबर्स कर देंगे। कहीं भी बाहर क्लिक करके देख सकते हैं आप, ये आपका पहला पेज है, इसमें कोई पेज नंबर नहीं है, ये दूसरा पेज है, इसमें भी पेज नंबर नहीं है, ये तीसरा पेज है, इसमें भी पेज नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप चौथे पेज को देखेंगे तो चौथे पेज से पेज नंबर 1, 2, 3 स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम एंड तक इसको चेक करते हैं तो ये पेज नंबर 12 तक हो गए हैं, यानी कि पहले के 3 पेज छूट गए हैं और बाकी के जो पेज हैं वो चौथे नंबर से पेज नंबर 1, 2, 3, 4 स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे वर्ड की फाइल में भी यही फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं।
पेज नंबर स्पेसिफिक पेज नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे मैंने यहाँ पे चौथे पेज नंबर से किया, आप तीसरे से भी कर सकते हैं, दूसरे से कर सकते हैं, या छठे या सातवें पेज से, जिस पेज से आप पेज नंबर स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप नेक्स्ट वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर कौन सा चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और किसी दूसरे की मदद इससे हो सकती है, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप और फेस ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं देखूंगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में वीडियो बनाने के लिए, कि किस तरह से जो भी ऑफिस में प्रॉब्लम आती हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।